नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ मकर राशि के लिए मासिक राशिफल नवंबर माह का। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं और प्रेजेंट में मकर राशि के ऊपर शनि की 7:30 भी चल रही है। आपके जो राशि के स्वामी हैं वो बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, गोचर में, ठीक है। और जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसमें पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, आपके तृतीय भाव में राहु बैठे हैं और आपके धर्म भाव में मतलब भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाती है। वहीं पर आपके एकादश भाव में स्टार्टिंग में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसमें बुध और आपके शुक्र साथ में बैठे रहेंगे। वहीं शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, ये द्वादश भाव में चले जाएंगे। वहीं सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, ये दशम भाव को छोड़ के एकादश भाव में आ जाएंगे, मतलब अपनी नीच की राशि को छोड़ के मंगल की राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा कई बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। ग्रहों की इस प्रकार रहेगी स्थिति नवंबर में। हम इन सब चीज़ों, जो ग्रहों की स्थिति, इन सब का फलादेश करके आपको बताएंगे। लेकिन निवेदन यही रहेगा, ये जो फलादेश है ये उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही चल रही हो। पता चले आपकी कुंडली में ही ग्रहों की स्थिति सही ना हो और आप ये सोच के बैठ जाओ कि 100% लागू होगा, तो हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। देखो, हम ये चीज़ आपको इसलिए कन्फर्म कह देते हैं क्योंकि हम और लोगों की तरह आपको मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं, हम और लोगों की तरह आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो रियलिटी बताई जाती है, जो सत्य होता है, वही बताई जाती है। आप पर्सनल रीडिंग करवाएंगे ना, जो हकीकत होगी आपको वही बताई जाएगी। अगर आपकी कुंडली में किसी चीज़ का योग नहीं है, जैसे लव पार्टनर वापस आए ऐसा योग नहीं है, तो हम आपको सीधे मना कर देंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आने का योग है तो हम आपको सीधे बोल देंगे इतने इतने समय तक आ जाएगा वो। वहीं पर अगर जॉब का योग है तो कब तक जॉब मिलेगी आपको, नहीं है तो आपको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी, सब चीज़ों के बारे में हम पर्सनल आपको बिल्कुल सत्य बता सकते हैं। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट हमारी यही है कि जो और लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि एक दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, एक दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उनसे बचिए। आज के समय में सबसे कीमती वक्त होता है और आप लोग इतने समय से क्या कर रहे हो, अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, कुंडली दिखवा के आप रियलिटी पता कर लो कि आपके जीवन में लिखा भी क्या है आखिर में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ भी आप हमें DM में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। मकर राशि, जिसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है मकर राशि वालों को, आपके लिए जो नवंबर का महीना है वो बहुत खुशियां लेके आ रहा है, विशेषकर कैरियर को लेके। जो लोग अपने कैरियर में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उनके लिए सबसे बेस्ट महीना साबित होगा। जो लोग नई जॉब के लिए सर्च कर रहे थे उनके लिए भी बहुत खुशियां लेके आ रहा है नवंबर का महीना। गोचर में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। वहीं पर अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे तो स्टार्टिंग का जो समय है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। वहीं पर आपके जो बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन आपका जो लास्ट का समय है उसमें थोड़ा सा बिजनेस में आपको वर्क मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके लिए अगर आप किसी कंपनी में मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आप रिज्यूम वगैरह देना चाहते हैं या फिर कहीं सर्च कर रहे हो आप जॉब वगैरह, तो आपको इस महीने में खुशी मिलेगी अगर कुंडली में दोष नहीं है, तब इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। वहीं पर इस महीने में अगर आप ध्यान देने की आपको आवश्यकता है तो आपको अपनी सेहत पर रहेगी। जो लोग विशेषकर शुगर के पेशेंट हैं उन्हें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने हो सकता है कि आपको चिड़चिड़ापन हो, छोटी छोटी बात को लेकर आप तनाव करने लग जाओ, तो ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। वहीं खाने पीने पे भी आपको ध्यान देना चाहिए।
जो लोग सिंगल हैं अपने लाइफ में किसी पर्सन की कोशिश मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाएं, या फिर हम किसी को पसंद करते हैं उन्हें प्रपोज करते हैं और वो लोग आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, तो आपके लिए बेस्ट समय है इस महीने में। आप सिंगल से डबल हो जाओगे, इतना अच्छा योग बन रहा है इस महीने में। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उस रिश्ते में आपके लास्ट का समय जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला रहेगा, वो टेंशन वाला रहेगा। आपका पार्टनर आपको चीट करते नजर आएगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। आप अगर लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छा समय है वो हम कह सकते हैं आपका जो स्टार्टिंग का समय है वो बेस्ट है। आप उसमें लव मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप आगे बात चला सकते हो अपने फैमिली से या अपने पार्टनर के फैमिली वालों से, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आप दोनों के रिश्ते को, ठीक है। वहीं पर अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं अपनी नीच की राशि को, के तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से छोटी छोटी बात को लेके कोई मतलब कहा सुनी हो जाए, हो सकता है कि एक दूसरे के फैमिली के प्रति आप लोग बोलने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में समस्या नजर आ रही है, तो मैरिड लाइफ में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उस रिश्ते में अगर हम बात करें तो एक अच्छा समय देखने को मिलेगा, अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी नवंबर के महीने में, और उनसे आपको खुशी मिलेगी। उनके साथ अगर आप काफ़ी समय से मिलना जुलना नहीं हुआ था तो वो भी आपका हो सकता है, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, ठीक है। आप अगर कहीं बाहर यात्रा के लिए सोच रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा के लिए या फिर कहीं लोकल की यात्रा के लिए, काफ़ी समय से आप अपना प्लान बना रहे थे और नहीं बन पा रहा था, तो वो अब बन सकता है। वहीं फॉरेन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपका लास्ट का समय बेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो, आपको वहाँ भी सफलता मिलेगी। आपको अपने कुटुंबी जनों से, अपने जो फैमिली के मेंबर हैं और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में हों या आपके मोहल्ला पड़ोस के हों, उनसे थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। आपके ही करीबी लोग आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन लगा सकते हैं, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हम कह सकते हैं वो लोग हावी होने की कोशिश करेंगे। आपका अगर कोई विशेष कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, चाहे वो फैमिली से संबंधित हो या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित हो, तो उसमें भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है, अगर आपका कोई धन वगैरह कहीं से मिलने का या फिर किसी ने ले रखा था बिजनेस में और वो व्यक्ति आपको आए दिन का समय दे रहा था कि कल दे देंगे परसों दे देंगे, तो इस महीने में चांस अच्छे बन रहे हैं कि वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। एक ग्रहों की स्थिति है जो फलादेश में जो हमने आपको बताया है। आपको शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लिए यह महीना बेस्ट साबित होगा, और अगर आप कोई डिग्री वगैरह या फिर डिप्लोमा के लिए सोच रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ले सकते हो डिसीजन वगैरह, ठीक है। ये जानकारी हमने आपको गोचर के अनुसार दी है, पुनः कहूँगा रियलिटी जानना हो तब आप पर्सनल ही संपर्क करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी देंगे, आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।